यदि आप भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को रन करते हैं या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं और पेमेंट गेटवेज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके चार्जेस को लेकर या फिर रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्टली आप यूपीआई अकाउंट के अंदर कैसे अपने ऑर्डर्स को रिसीव कर सकते हैं। यानी कि हम जानेंगे कि यूपीआई पेमेंट गेटवेज को हम कैसे आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो भी वॉलेट्स होते हैं या फिर क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी, उससे डायरेक्टली पेमेंट अपने यूपीआई आईडी के ऊपर आप कैसे लेंगे। तो इस पे कोई कमीशन नहीं देना है, 0% की चार्जेस होती है और ये डायरेक्टली जब भी ऑर्डर प्लेस करेगा यूजर, आपकी यूपीआई आईडी जो आप अटैच करेंगे उसके ऊपर आपका ऑर्डर्स चलाएगा। अगर कोई यूजर किसी मोबाइल के थ्रू विजिट करता है, मोबाइल का ब्राउजर यूज करता है, तो जो भी उसके फोन के अंदर वॉलेट इंस्टॉल होता है, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या अमेजोन पे हो गया, अगर ये सारे गेटवेज इंस्टॉल्ड है उसके अंदर, तो डायरेक्टली इनके ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके ऊपर जाकर यूजर्स आपका पेमेंट कर देगा और उसके अकाउंट में पेमेंट कट जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा ऐड हो जाएगा। इंस्टेंटली ये वर्क करता है और इससे पर कोई भी कमीशन नहीं है। जैसे रेजर पे अगर आप यूज़ करते, फोन पे यूज़ करते, स्ट्राइप यूज़ करते या फिर आप कोई भी अदर्स पेमेंट गेटवे यूज़ करते, तो इसके 2% के जो चार्जेस है ना, वो बहुत ज़्यादा खलते हैं यूजर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि ई कॉमर्स ई कॉमर्स के ऊपर आपने बनाया होगा, उसके अंदर यूपीआई आईडीज़ को आप ऐड करेंगे और यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस करवाएंगे अपने यूजर्स से। क्योंकि अगर आपके ऑर्डर्स पे पेमेंट नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ऑनलाइन अपने बिजनेस को रन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है और कैसे हम अपने इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर दैट, चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करते हैं, अब तक हमें फॉलो नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और करते हैं इंटीग्रेशन यूपीआई पेमेंट गेटवेज का हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट था ना, वो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और एक डमी वेबसाइट्स को हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, एक डमी वेबसाइट्स को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमने एक ही प्रोडक्ट को डाला है जिसके ऊपर हम यूपीआई पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। एक ओवरव्यू के लिए आप देख सकते हैं, ये हमने बोनट का यहाँ पर नेक बैंड को ऐड किया हुआ है और जब हम इसे ऐड टू कार्ट करेंगे और हम जब पेमेंट्स के लिए जाएंगे वहाँ पर पेमेंट वाले मोड पर, यानी चेकआउट पेज पे हमारे, तो देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपका ऐड दिखा रहा है। मैं इसको सिंगल कर देता हूँ अभी। तो आपका 99 रुपीज़ का ये ऑर्डर है, हम जब प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो कोई गेटवेज यहाँ पर अभी तक लगाया नहीं हमने, तो यहाँ पर कोई भी गेटवेज का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, देयर आर नो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके अंदर वूकॉमर्स आपका इंस्टॉल होना चाहिए और जो भी सेटअप्स आपको करने हैं एज इट इज़ आप जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लीजिएगा। जो भी आपका पिकअप लोकेशन है, जो भी आपके मॉडल्स हैं जिस बेस पे आप वर्क कर रहे हैं, आइदर आपका कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस हो या फिर किसी भी तरह का ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं आप, अब आपको सिंपली चले आना है आपके प्लगइन वाले सेक्शंस पे जहां पर ऐड न्यू प्लगइन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और सर्च वाले ऑप्शंस पे जाइए और यहाँ पर यूपीआई लिख के आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर यूपीआई लिख के सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में पहला वाला ऑप्शन जो आपको दिखेगा, यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे फॉर ई कॉमर्स करके, आप इसको क्लिक कीजिएगा इंस्टॉल करने के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल के लिए, ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा, हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब हम सेटिंग्स के ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें जो हमारी सेटिंग्स है उसके ऊपर लेकर चला जाएगा। एनेबल यूपीआई क्यूआर पेमेंट मेथड्स को आपको यहां पर टिक दिखेगा, आपको उसे टिक रखना है। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं आप इसके टाइटल्स को, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइक पे विथ यूपीआई क्यूआर कोड, आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप जैसा चाहे यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो जो करना है वो ये है कि आपको यूपीआई आईडी जो आपके भी एप्लीकेशन में आपने सेट किया हुआ है, अगर आप बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपने कुछ और सेट किया होगा, अगर आप वॉलेट यूज़ करते हैं जैसे कि अमेजोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, इनके ऊपर आपकी अलग ही आपकी यूपीआई आईडी बनी होगी। तो जिस भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पेमेंट्स को लेना चाहते हैं उनका जो यूपीआई एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना। जैसे अगर हम बात करें हमारी यूपीआई आईडी की, अब आपको नीचे आना है, सबसे यहाँ पर एक पेमेंट बटन के ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा शो और हाइड का, तो हम इसको एनेबल करेंगे अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली यूजर्स आपको पे कर दे।
ठीक है, डाउनलोड बटन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि यूजर को आप डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दे कि आपका QR कोड वो डाउनलोड कर ले और गैलरी में जाकर स्कैन कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही फोन होता है यूजर्स के पास और कभी कभी ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, तो यूजर्स कैसे पे करेगा, तो डायरेक्टली आपके डाउनलोड कर लेगा QR कोड को और जाकर वहाँ पे पेमेंट कर देगा। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो सेटिंग्स आपको दिखेगी सेव चेंजेस के ऊपर करके आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कर दोगे ऊपर वापस आओ, अपने जो पेमेंट्स आपने ऐड किया हुआ था अब आप देखेंगे जब रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पर तो पे विद आपका UPI QR कोड का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये आपसे मांगेगा आपका जो भी UPI ID है जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर जैसे कि ठीक है अब हम यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे UPI ID का और हम प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करके देखेंगे। जैसे हम प्रोसीड टू पे करेंगे यहां पर तो देख सकते हैं हमारा जो QR कोड है ना वो जनरेट कर दिया सिस्टम। ये कितना इजी था, और इसके ऊपर आपको 1 रुपए का कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कमीशन फ्री है यानी कि 0% का कमीशन है और ये डायरेक्टली इंस्टेंट वर्क करेगा। अगर आप किसी पेमेंट गेटवेज को यूज करते हैं तो उनके सेटलमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, लेकिन यहां पर आपको कोई भी सेटलमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग काम नहीं करना और जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा डायरेक्टली आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा और यूजर्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इजी स्टेप्स लगा होगा इसको आपको प्रोसेस करने में। कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर लीजिएगा वीडियोस के ऊपर, हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।